नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में। अभी हम बात करने वाले हैं मौसम अपडेट की, जहां पर आपको बताएंगे कि विक्षोभ एक डिस्टरबेंस बना हुआ है, और ये डिस्टरबेंस छोटा मोटा नहीं है, एक बहुत ही बड़ा डिस्टरबेंस बना हुआ है, जिसके कारण राजस्थान में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश का कहर जारी है। इसी के साथ भारत के उत्तर जो राज्य उत्तरी राज्य हैं उनमें भी बारिश का कहर जारी है। हम बात करेंगे यहाँ पर आने वाले दिनों तक किस प्रकार से थंडर स्टॉर्म और बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, और इसके साथ ही कई जगहों पर बारिश से भारी बारिश की भी संभावना है। कहीं पर बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन कहीं पर बारिश ने इस कदर कहर बरपाया है कि बाढ़ की आशंकाएं हो रही है, और कहीं पर सिर्फ बादल मंडरा रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है। लेकिन आपको बता दें, ये मानसून नहीं है कि बारिश की हम आपको कि कहीं बारिश आनी चाहिए। यहाँ पर आ चुकी है सर्दी, लेकिन इस बार सर्दी में भी बारिश का कहर थम नहीं रहा है। हम देते रहेंगे आपको पल पल की अपडेट, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी मौसम विभाग की जो भी सटीक खबरें आती है वही आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबाइए, साथ लिख दीजिए अपने शहर या जिले का नाम, ताकि आपके शहर या जिले को भी अगली बार वीडियो में सम्मिलित किया जाए और आपके शहर या जिले का एकदम सटीक अनुमान बताया जाए। तो अपने शहर या जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे मौसम किस प्रकार करवट बदल कर बारिश के रूप में कहर बरपा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश हो रही है। ये बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि जो जैसा विक्षोभ है वो कुछ बड़ा है, तो हमारा देश की सैटेलाइट है वो पूरा कवर कर रही है, यानी कि काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। हमारा जो कि IMD की सैटेलाइट है उसे पूरा कवर कर रही है, यानी कि अगर बात की जाए वर्ल्ड सैटेलाइट से, एक तो ये काफ़ी बड़ा ये विक्षोभ है और इससे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बारिश हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें, राजस्थान में जो कि जो भी पश्चिमी जिले हैं उन पर बिल्कुल पूरी तरीके से कहर बरप चुका है और बरप रहा है, क्योंकि अभी तक बारिश सक्रिय है और थमने का नाम नहीं ले रही है। इतनी बारिश मानसून में भी नहीं देखने को मिलती राजस्थान में, जितनी अभी सर्दी में देखने को मिल रही है। लगातार बारिश का कहर जारी है और हर तरफ बारिश ही बारिश देखने को मिल रही है। सुबह से शाम तक लगातार बारिश देखने को मिल रही है। राजस्थान का तो यही हाल है, और आने वाले 2 दिनों तक, आने वाले कल पूरी तरीके से थंडर स्टॉर्म बनी रहेगी, यानी कि पूरी तरीके से बिजली कड़क के साथ बारिश बनी रहेगी। लेकिन परसों बताया जा रहा है कि स्मोकिंग के साथ, यानी कि धुंध देखने को मिलने वाली है। हो सकता है परसों तक ये मौसम साफ हो जाए, लेकिन आपको बता दें, डिस्टरबेंस जैसे ही राजस्थान की तरफ से जाता है वापस राजस्थान की तरफ ही आ जाता है, यानी कि अभी राजस्थान के ऊपर ही सर्कुलेशन बनाया हुआ है, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली NCR समेत ये जो भी उत्तरी राज्य है, उत्तरी जो केंद्र शासित प्रदेश है उन पर बना हुआ है। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख पर भी पूरी तरीके से कहर बरपा रहा है, और बर्फबारी भी इसके कारण होनी शुरू हो चुकी है इस मौसम में। जी हाँ, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में, लद्दाख में, उत्तराखंड में आने वाले एक दो दिनों में या आने वाले कुछ घंटों में ही ओलावृष्टि हो सकती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की आशंका है। इसी के साथ आपको बता दें, दिल्ली NCR का प्रदूषण काफ़ी हद तक खत्म हो सकता है अगर बारिश तेज देखने को मिली। जो भी एयर पार्टिकल्स है, जो एयर में पार्टिकल्स बने हुए हैं प्रदूषण के, वो नीचे ज़मीन पर आ जाएंगे, और काफ़ी अच्छी बात होगी कि प्रदूषण बहुत कम देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, गुजरात के कच्छ और सौराष्ट्र में काफ़ी बारिश है और हल्की बारिश होने की पूरी आशंका है, और हो सकता है मध्यम से ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसी के साथ आपको बता दें, दक्षिण भारत में भी मिनी मानसून सक्रिय हो रहा है। तटीय तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में दक्षिणी तटीय भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है। केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश का अनुमान जारी है। अभी अभी की एक बड़ी अपडेट के अनुसार अगर बात की जाए, तो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और श्रीगंगानगर में अगले 48 घंटे तक लगातार बारिश होने की संभावनाएं जारी कर दी गई है। इसके साथ ही कुछ और बड़े शहर जहां पर बारिश के आसार बिल्कुल पूरी तरीके से बने हुए हैं, वो है चेन्नई, पुडुचेरी, नागपट्टिनम, कराईकलम, पम्बलम, तिरुपति और नेल्लोर।
सभी तटीय तमिलनाडु में बारिश होगी। इसी के साथ दक्षिणी आंध्र प्रदेश तथा दक्षिणी केरल में भी हल्की बारिश होगी। तो इस प्रकार से थी आज दिन भर की पूरे देश की सबसे बड़ी मौसम अपडेट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।